मैं हूं रिजवान अली साहब। आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं रिजवान अली साबरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जयपुर टॉक पिजन। तो दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूं सईद भाई के यहाँ और माशाल्लाह बुज़ुर्ग हैं हमारे, और जैसा कि आपको पता है मुझे बुज़ुर्गों से बहुत लगाव है। तो दोस्तों, मैं आज सईद भाई से बात करूँगा और आपको कुछ बातें भी हैं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, गोल्डन मोमेंट्स, जो सुनहरी यादें होती हैं, कुछ आदमी को याद रह, कुछ जो लम्हे होते हैं वो कुछ याद रह जाते हैं, तो मैं उसके बारे में बताऊँगा और पूछूँगा कुछ यादगार कोई बात हो इनके साथ जो जहन में हमेशा दिलो दिमाग के ऊपर जो असर कर जाती है और हमेशा हमें याद रहती है। तो हम कुछ ऐसे सवाल भी करेंगे और पूछेंगे सईद भाई से। सईद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सईद भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आप कोई शौक़ कब से आप कर रहे हैं, कब से लगा? बचपन से ही है, हमारे बाप दादा से चला रहा हूँ। बाप दादा से, यानी कि तीन पीढ़ी तो मैं मान के ही चलूँ। हाँ। तो आपको कोई ऐसी यादगार लम्हा आपका जो आपको याद हो, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कबूतर बाजी के अंदर या कबूतर परवाजी, जब आपने बाजियाँ उड़ाई हैं? आज खूब उड़ाई हैं, खूब उड़ाई हैं बाजी, उड़ाई हैं। तो क्या उसके अंदर कुछ ऐसी यादगार, कितनी उस टाइम तो कम कबूतर उड़ाए जाते थे उस वक्त, तो एक दो भाई, एक ज़्यादा उड़ता था उस वक्त। अच्छा अच्छा। उसके बाद में वो 5-7-9 ये भी उड़ाए मैंने। जी जी। अरे मैं बोंदामिया कचेरी वालों से, इनसे, उन साथों से, उन्ना भटियारे वालों से। अच्छा, सबसे उड़ाए, सबसे उड़ाए, प्यार मोहब्बत से। हाँ, प्यार, कोई ऐसी लड़ाई वड़ाई का कोई काम ही नहीं होता था। अच्छा। ये तो आप बदतमीजी होने लगते। 6-13 पे जब कबूतर उसका आया तो उन्होंने कहा यार देखे अब 2 मिनट तो रह गए, अब क्या कटेगा कबूतर। क्या मतलब, समझा नहीं। अच्छा, 6:15 का टाइम था। 6:15 के बाद में अगर किसी का कबूतर आएगा तो वो नहीं माना जाएगा। 6:15 के अंदर अंदर आ जाएगा ना, उसको माना जाएगा। हाँ, वो तो जाहिर है, आज भी वो 6:15 के, अब वो 6:13 में कबूतर आ गया, अब 2 मिनट तो रहेगा, 14:15। अच्छा, अब उसमें क्या कटेगा कबूतर, मगर अल्लाह के हुक्म की बात चीज रखो तो कट गया। कितने बजे बैठा हो? 6:14 पे। 6:14 पे। हाँ, और बाजी आपने मार ली? हाँ, जब से उन्होंने बहुत कहा मुझसे, मगर मैंने। दोस्तों, तो आप माशाल्लाह, ये सईद भाई आपके सामने हैं, आपकी उम्र क्या होगी साहब? 66 साल की। 66 साल। चलिए, तो दोस्तों माशाल्लाह पुरानी बातें हैं सईद भाई की। और तो आपके कौन से कबूतरों का आपको शौक रहा? ये बाजरों, बाजरे, और उड़ाए भी आपने बाजरी, बाजरे। तो टोंक के अंदर जो बाजरे, कलमुए और इस तरीके के कबूतर फेमस रहे हैं और उन्हीं से लोगों ने शौक किया, तो ये क्या रात आपके टाइम में, उस टाइम रात बसते थे? खूब खूब रात बस जाते थे। खूब रात बसते थे। तो रात बसने वाला कबूतर तो फिर अपने बाजी के अंदर तो वो तो फायदेमंद नहीं होता, बेकार हो जाता है। उस वक्त ये होता था जी कि जैसे रात बस गया ना कबूतर जी, उसको भी मान लेते थे, पुराने दिन 9 बजे बैठा, 10 बजे बैठा या कभी भी बैठा, वो माना जा रहा। तो आजकल तो बड़ी सख्ती होंगी। अजी, आजकल तो 6:15 के बाद में कैंसिल, 6:15 के बाद वो उसका टाइम ही काउंट नहीं होता। हाँ। अब चाहे रात भर उड़े या आए या नहीं आए, जो भी है वो तो बेकार हो जाता। चलिए, तो दोस्तों ये सईद साहब थे, मैं आपको इनके यहाँ के कबूतरों का शौक करवाऊंगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले के टाइम में तो माशाल्लाह ही, और मान भी लेते थे अगर दिख रहा है कि यार आ जाएगा कबूतर, 6:15 भी बज रहे हैं, आ रहा है कबूतर, तो उसको माना जाता था। क्यों साहब, माना जाता क्या आ रहा है, क्योंकि टाइम की ऐसी बाउंडेशन नहीं थी कुछ। लेकिन आजकल जो टाइम की बाउंडेशन वो ये कि 6:15 और 6:01 भी ऊपर हो गया तो आपका वो कबूतर नहीं माना जाएगा। क्यों साहब? सही, यानी कि 6:15 लास्ट टाइम कर दिया, तो उस हिसाब से आजकल की कबूतरबाजी जो है वो थोड़ी सख्त है और जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो चलिए, मैं आपको शो करवाऊँगा किस तरीके के कबूतर हैं अभी आपके पास। ये घेरे बाजरे, ये सब पुरानी नस्लें हैं जब चली आ रही हैं। चलिए, तो आप हमें शो करवाएंगे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको, इन कबूतरों का। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथ से ही मुझे एक आध जोड़ा का शो करवाएं। चलिए, तो दोस्तों मैं ले चलता हूँ इनके लोफ्ट में और शो करवा देता हूँ। चलिए, तो दोस्तों मैं आपको शो करवा रहा हूँ, ये देखें आप इन बाजरे कबूतरों का। तो देखें, ये सईद भाई हमें शो करवा रहे हैं, ये पुरानी नस्लों के इनके पास कबूतर हैं। क्या ज़बरदस्त कबूतर है, आप देख सकते हैं। ये देखें आप, ये होते हैं बाजरे कबूतर,
बहुत ही लाजवाब और बेमिसाल कबूतर हैं माशाल्लाह, और इनका साइज देख सकते हैं, लेंथ देख सकते हैं, ये तो पुराने ज़माने की चले आ रहे हैं साहब आपके पास माशाल्लाह ये नस्ल है। ये देखें साहब आप माशाल्लाह, आपका दिल खुश हो जाएगा। बेटा ये मादा पकड़ लो आप और नर दो हाथ में। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको पुराना शौक़ करवा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं सईद भाई, इनके यहाँ मैं आपको शौक़ करवा रहा हूँ। और आप इसकी आँख के ज़र्रात देखें, क्या लाजवाब और बेमिसाल आँख है इस कबूतर की। ये देखें आप, ये पुरानी नस्लों के कबूतर हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें आप, क्या कद्दावर साइज़ के कबूतर हैं। और जैसा कि आपको पता है माशाल्लाह, खूब इनामात हासिल किए हैं और खूब बाजी हैं अपने ज़माने में उड़ाई हैं। अब कितने टाइम से छोड़ दिया आपने उड़ाना? नहीं उड़ाते को अभी भी, अभी भी उड़ाते हैं। हाँ। अच्छा, इनामों में अब भी उड़ाते हैं साहब, देख सकते हैं दोस्तों माशाल्लाह अभी भी इनामों में कबूतर उड़ा रहे हैं आप। कितना ज़बरदस्त पट्टा है ये देखें, पर दिखा दें तो एक बार इसका पल्ला, ये देखें, ये देखें दोस्तों कितना बड़ा कद्दावर साइज़ का। और आप ये पर देख सकते हैं आप, ये देखिए बहुत ही लाजवाब। इसके पंजे भी दिखा दें साहब एक बार, ये देखें पंजे बढ़िया कर लीजिए, ये देख सकते हैं आप पंजे, बहुत ही अच्छा कबूतर है। ये छत पे छोड़ सकते हैं? हो छोड़िए एक बार इसको, इसकी बैठक दिखाएं। ये देखें, ये बारिश हो रही है और रुकने का नाम भी नहीं ले रही, फिर भी मैं आपका शो करवा देता हूँ। ये देखें आप बाजरा कबूतर, बहुत अच्छा कबूतर है माशाल्लाह। ये देखें, छोड़ दें मादा भी छोड़ दें, ये मादा भी देखें आप, कितने बड़े वजूद की मादा है, ये जोड़ा है, ये अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन। चलिए मैं आपको इसके बाद एक नेक्स्ट पेयर का और शो करवा देता हूँ। चलिए दोस्तों आप ये देख सकते हैं एक और कद्दावर साइज़ का कबूतर, ये देखें आप इसकी लंबाई देखें दोस्तों। तो सईद भाई ज़रा सा बताएंगे कि हमें इन कबूतरों के बारे में, इसमें कैसी उड़ान है, क्या है? बहुत बढ़िया उड़ान है जी, शाम तक ही उड़ते हैं, शाम तक उड़ते हैं। ये देखें आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छे शानदार कबूतर हैं, शाम तक की परवाज़ है इनकी, बहुत ही बेहतरीन कबूतर पुरानी नस्लों के। और आदमी भी आपके सामने पुराने बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं, और जैसे कि माशाल्लाह आप जानते हैं कि ये हमें बताया इंटरव्यू के अंदर सईद भाई ने, माशाल्लाह खूब बाजियाँ उड़ाई हैं। और इन कबूतरों का साइज़ वाइज लेंथ वगैरह सारी चीज़ें आप देखें माशाल्लाह, आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए इसको, एक को पकड़ के एक की आँख का शौक करवा दिया। ये देखें दोस्तों आप किस दर्जा आँख अच्छी है इसकी, नर है माता ही नर है ये देखें आप, ये देखें आप इसके आँख के जर्रात देखें, खूबसूरती देखें आप इन बाजरे कबूतरों की, बहुत ही लाजवाब शो हो रहा है माशाल्लाह टोंक के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं। ये देखिए ये पर झाड़ के ला रहे हैं, बरसात अभी भी हो ही रही है, आप देखें हल्की हल्की बूंदाबांदी भी देखें आप। छोड़ दीजिए साहब इसको, नीचे छोड़ दीजिए, ये देखें। चलिए दोस्तों मैं सारे बाहर निकाल के बता दूंगा, ये सब अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें दोस्तों एक पेयर का और मैं शो करवाऊंगा, उसके बाद सारे कबूतर मैं आपको बाहर छोड़ के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह, ये भी एक पेयर है, बहुत खूबसूरत, और बारिश का मज़ा भी आप लेते रहें। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे कबूतर हैं, टोंक की जितनी तारीफ़ की जाए कबूतरों के अंदर, कबूतर परवरी के अंदर माशाल्लाह एक से बढ़ के एक उस्ताद हैं, एक से बढ़ के एक कबूतर रखने वाले हैं टोंक के अंदर, अपनी जान से ज़्यादा इन कबूतरों को रखते हैं, आप देख सकते हैं। शो कराएं साहब इसकी आँख का, ये आँख का शो कर सकते हैं आप। देखें आप क्या ज़बरदस्त आँख है इसकी, बहुत ही बेहतरीन साहब। ये देखें इसके,
पर देख सकते हैं आप, और ये परियां देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन था यार। सब दोस्तों जैसा एक बाजू है एक पल्ला है वैसा ही दूसरा है, कोई डिफरेंस नहीं है किसी में, एक परी भी दूसरी नहीं है, आप देख सकते हैं सारे एक से बढ़ के एक शौकीन है टोंक के अंदर। ये देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब। चलिए तो दोस्तों ये आप शौक कर सकते हैं, गीला हो रहा है ना उसकी वजह से। ये देखें दोस्तों आप शौक करें इन कबूतरों का, एक से एक लाजवाब बेमिसाल कबूतर। ये अभी जो आपने कबूतरी दिखाई थी उससे लगवा क्या? हाँ, ये नर है साहब उसका, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। जल्दी जल्दी मैं आपको शौक करवा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे एक से बढ़ के एक कबूतर। ये देखिए आप माशाल्लाह क्या बात है, ये देखें आप, ये देख सकते हैं साहब आप, इसके अंदर ये सुर्ख लाल गंडे लिए हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही परवाज़ की अलामत है। जैसा कि आप जानते हैं पुराने कबूतरों के अंदर ये शेड्स आते हैं, ये वाला शेड आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छे कबूतर, किंग साइज़ के कद्दावर साइज़ के कबूतर है माशाल्लाह। ये देखें आप बहुत ही लाजवाब बेमिसाल कबूतर। ये देखें दोस्तों एक और पेयर माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन पेयर हैं, एक से बढ़ के एक कबूतर हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया सबकी एक एक की आँख दिखाई, एक एक जोड़े का मैंने आपको शौक करवाया, आप देख सकते हैं यहीं से इसकी आँख भी देख लें आप, सब एक जैसे कबूतर हैं माशाल्लाह, एक से बढ़ के एक कबूतर हैं। तो सईद भाई आप कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको, जो नए बच्चे आजकल शौक कर रहे हैं उनको आप कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा बुलंद आवाज़ में? ऐसा है जी आजकल तो जो है ना मोहब्बत प्यार से अखलाक से मतलब कबूतरबाजी होना चाहिए जी, शौक जब भी बढ़ता है, शौक जब भी बढ़ता है, और अब नफसा नफसी में तो शौक बढ़ता नहीं है, बेशक बेशक। अब आजकल नई नई उम्र के बच्चे हैं जो शौक में आ जाते हैं जी जी जी, समझ में, और वो अपने मतलब जो है तहेश में आ जाते हैं जल्दी। अब ये कबूतरबाजी तो ऐसा है मोहब्बत अखलाक की है जी, बेशक बेशक भाई, क्या पिला दो पी लो बस 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 आराम से बैठो, हार जीत का जो हो गई हो गई। हाँ बस कोई हारे या जीते कोई उसमें इतना सीरियस लड़ते हैं, जीतता ही एक जीतता है एक हारता है, सही बात है, कोई मतलब बुराई वाले नहीं है, अगर मोहब्बत अखलाक से शौक हो तो उम्र भरी होता रहता है, बेशक बेशक, और नहीं तो फिर चार दिन करके बैठ जाओ आराम से लड़ाई झगड़ा करके, वो तेरे मेरे में तो बेकार ऐसा मामला। सही बात है सही बात है, इसका पोटे से पोटा मिलाएं तो एक बार। ये देखें दोस्तों बहुत अच्छा शौक कराया माशाल्लाह सईद भाई ने, आप देख सकते हैं सईद भाई के कबूतरों का शौक मैं करवा रहा हूँ, और इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि प्यार मोहब्बत से शौक करें, और आजकल जो है नई उम्र के जो बच्चे हैं वो तहेश में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं और लड़ाई झगड़े कर देते हैं, तो इस तरीके से काम ना करें, और कबूतरबाजी हमेशा के लिए करनी है लंबे टाइम के लिए, तो इस तरीके से दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये अड्डा अपना ही बना हुआ है, ये देखें आप इस तरीके से, ये कच्चे में से पहले कबूतर उड़ा करते थे, और ये माशाल्लाह इनका लोफ्ट है, ये देख सकते हैं आप पीछे, और ये पीछे एक लोफ्ट अलग है इधर, ये अलग दड़बे हैं, तो मैं कुछ ही कबूतरों का आपको शौक करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगा सर्दियों के अंदर, तो आप शौक करवाएंगे सर दोबारा हमें सर्दियों में, दोबारा आऊँगा मैं इंशाल्लाह, तो आप ज़रूर शौक करवाइएगा हमें, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको और कबूतर दिखाइएगा, उड़ान वाले अलग हैं आपके पास कबूतर, तो ये जोड़ों वाले कबूतरों का मैंने आपको शौक करवाया, उड़ान वाले और कबूतर हैं इंशाल्लाह मैं उनका भी शौक करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं सारे कबूतर एक बार अगर देखता हूँ, बारिश अगर थोड़ी सी रुकती है तो मैं आपको सारे कबूतर बाहर निकाल के शौक करवाता हूँ। ये देखें दोस्तों ये एक और बाजरों का जोड़, दोस्तों ये हर एक क्वालिटी के बाजरे हैं, हल्के हैं, छपे हुए हैं, थोड़े काले पड़ते हैं, ब्राउन कलर पे हैं यानी कि भूरे बाजरे हैं, हर किस्म के कबूतर हैं माशाल्लाह, जवाब नहीं। आप सब लोग एक साथ आ जाएं सब एक बार, भाई आप भी आ जाएं अंदर से, और ये सब हमारी मदद कर रहे हैं, और ये छतरी का इंतज़ाम किया हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि आप समझते हैं कि वीडियो शूट बहुत आराम से हो जाती होगी, दोस्तों सारे काम करना पड़ते हैं, सेटअप लगाना पड़ता है, कैमरा सेट करना पड़ता है, अगर बारिश ऐसा मौसम भी हो जाता है तो फिर ये इस तरीके के काम भी करे जाते हैं। चलिए दोस्तों खैर आप शौक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, ताकि आपको ऐसे खूबसूरत खूबसूरत वीडियोस मिलते रहें, तो इंशाल्लाह मैं आपको
शो करवाऊंगा, और अभी मैं आपको सारे कबूतर बाहर निकाल के उनका भी शो करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। चलिए तो दोस्तों, मैं आपको शो करवा रहा हूँ, ये सारे एक से बढ़ के एक लाजवाब कबूतर आप देख सकते हैं। बारिश की वजह से मैं आपको प्रॉपर शो नहीं करवा पाया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आकर के मैं इन कबूतरों का शो करवाऊंगा। सईद भाई के कबूतर आप देख सकते हैं, शादाब भाई हैं, साहबजादे सईद भाई के, अब आप संभाल रहे हैं। सईद भाई आप भी आते हैं माशाल्लाह, जोड़े वगैरह तो आप ही लगाते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं दोस्तों माशाल्लाह किस दर्जे का खूबसूरत शोख। ये देखें आप, आसमान के अंदर अटके लिए करते हुए कबूतर, बहुत ही लाजवाब। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह, एक से बढ़ के एक कबूतर। क्या बात है दोस्तों, मजे आ गए माशाल्लाह आज शौक करने के अंदर। चलिए तो दोस्तों, इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें, सबसे पहले आप तक ऐसा नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, नमस्कार, फिर मिलेंगे।